नमस्कार, राम राम। मैं अपने खेत पे आया हूँ आज 7-8 दिनों में, और आज ये तीसरी बार गेहूँ में पानी मैंने दिया है, जिसको हम तीसरी पान बोलते हैं मालवा में, पता नहीं आपके उधर क्या बोलते हैं। और 2-3 दिन पहले मैंने खरपतवार नाशक दवाई स्प्रे किया था, बेचता करके आती है, तो इसका रिजल्ट मेरे को देखने को मिल तो रहा है। क्या है, थोड़ा बहुत तो पीला पीड़ा है, सील बोलते हैं हम इसको, पता नहीं आप क्या बोलते हैं उसको, चिलड़ा चिलड़ा। और ये भी है, शायद कोई खरपतवार ही है, ये भी जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा, 7-8 दिन तो लगते हैं अमूमन। ये मेरा प्लॉट है, इसको हम, ये मम्मी ने लगाया है इसको, इसको काग वगैरह बोलते हैं, नील गाय से बचाने के लिए। कोई दूर से देखता है तो लगता है कोई बैठा हुआ है। और ये हमारा खेत का प्लाट है। चलिए अब समृद्ध पटेल की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है वो देखते हैं वहाँ जाके। नमस्कार भाई साहब, मैं यहाँ पर लोकवन गेहूँ में दूसरी सिंचाई कर रहा हूँ, दूसरी बार पानी पिला रहा हूँ। ये ट्यूबवेल चल रहा है, जैसे आप देख सकते हो, ये ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल में पानी जा रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से आ रहा है वो। और ये सेकंड पिलाई जो है, ये दूसरी पिलाई चल रही है गेहूँ में, उसके बाद खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे इसमें। ये लोकवन गेहूँ है, जो खाने में, रोटी बनाने में बहुत बेहतर होता है, स्वादिष्ट होता है। और ये जब बड़े हो जाएंगे गेहूँ, इनकी बालियों की खनखन जो मन मोहती है हमारा, वह इस वीडियो में बताएंगे आपको आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। और उसके बाद जो दैनिक दिनचर्या में जो आगे काम है आज का, क्योंकि अभी मोटर ये पी चुका है चुकी, तो अभी मोटर बंद करने वाला हूँ मैं। उसके बाद ये जो लहसुन है, ऊँटी लहसुन है, जो तमिलनाडु की ऊँटी इलाके से आती है बारिश के दिनों में, तो ये अभी लगी हुई है इसमें। आज मुझे छठी पिलाई पिलाना है, उसमें कुछ खाद उर्वरक डालना है। अभी फिलहाल मैं ट्यूबवेल बंद करने के लिए जाता हूँ। यह ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी जा रहा है, वो ट्यूबवेल का आप देख रहे हैं। और ये रहा इसका ऑटो स्विच, ऐसे इसको बंद करना है, वो बंद हो चुकी है। बने रहे हमारे साथ, आगे भी और आपको बताया जाएगा।